हेलो, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। पहले मैंने आज सोचा था लाइव नहीं आने का, मैंने कहा आज संडे है, आप सब लोग भी बिजी होंगे, लेकिन फिर सोचा आज टीचर्स डे है तो आज तो मिलना ही चाहिए हमें, है ना। तो लाइव का बस बन गया फिर एकदम प्रोग्राम। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज ये देखिए मेरे दोनों कंप्लीट हो गए हैं, एक दूसरा वाला है ना। इस पर आज हम कलरिंग करेंगे, ये मैंने एक रेडी करके रख ली है। इस पर मैं आपको फिलिंग बताऊंगी, सेंडिंग बताऊंगी, और उसके बाद फिलिंग दोनों तरह से बताऊंगी कि अगर बड़े गैप्स हैं तब हमने कैसे फिल करना है, और जो छोटे छोटे गैप्स हैं उनको कैसे फिल करना है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको दोनों तरह की फिलिंग बताऊंगी और बाद में इमल्शन भी। तो स्टार्ट करें हम अपना सेशन। इसके लिए हमें ये देखिए, आप पहले बीच में ये देखिए, दिख रहे हैं क्रैक्स, है ना, और ये हम भरेंगे सीधा क्ले के साथ, ठीक है। और कुछ हमारी क्ले में इस तरह कुछ बड़े बड़े अगर आपको क्रैक्स नजर आते हैं, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो उनको भी हम क्ले से फिल कर देंगे। लेकिन जो छोटे छोटे कहीं पर, जैसे ये एक थोड़ा बड़ा क्रैक है, ठीक है, ये वाला, तो इसको हम क्या करेंगे, क्ले के साथ फिल करेंगे। और जो बीच में छोटे छोटे हैं उसको भी मैं आपको वो भी होगा चॉक पाउडर के साथ और वार्निश के साथ फिल करेंगे। तो पहले हम ये बड़े क्रैक्स कैसे फिल करेंगे मैं आपको ये बता देती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम लेंगे कैमरा, मैं अपने वर्क स्टेशन पे कर लूं, ठीक है। क्ले ले लूं मैं पहले थोड़ी सी, माइक नहीं लगाया, आई होप अब क्लियर होगा आपको। एम आई ऑडिबल टू यू? थोड़ी सी क्ले लेंगे, ठीक है, इसको अच्छे से हमने नीड करना है। पहले आपने कहीं पर, इससे पहले मैंने इस पर, वैसे ये जो दूसरा वाला है मैंने इस पर सैंडिंग नहीं की है, क्योंकि मुझे ये जो थोड़ा टेक्सचर आ रहा है ना बीच में, मुझे वो अच्छा लग रहा है ना, तो मैंने उसमें सैंडिंग नहीं की है। अगर आप चाहो तो आप ये सैंड पेपर 120-100 जो भी है आपके पास मार्केट से मिलता है, तो आप हल्की हल्की उसकी इस तरह से, कहीं पर आपको लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा क्ले है, यहां से क्लीनिंग नहीं है, तो आपने पहले ही कर लेनी है, ठीक है। वैसे आप फिलिंग के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं करके नहीं दिखा सकती, फिलिंग कर देना पहले आप। फिलिंग करने के बाद आपने ये सैंडिंग करनी है, क्योंकि फिलिंग सूखने के बाद, ठीक है। तो मैं यहां सूखने का वेट नहीं कर पाऊंगी ना, तो मैं इसलिए आपको पहले बता रही हूं, पहले आपने फिलिंग करनी है। मैं अंदर वाली ये फिलिंग करके बताती हूँ आपको। क्ले लिया हमने, थोड़ा सा उसको नीड किया, ये जो हमारे क्रैक्स हैं इनके ऊपर हम ऑलमोस्ट सारे में ही है, तो मैंने सारे में ही इस तरह से डाल दिया और उसको मैं फैला लूंगी। फेविकॉल लगाई है मैंने, ठीक है। अब मैं क्ले लूंगी, क्ले को इस तरह से रख के बीच में मैंने जहां जहां पर भी हमारे क्रैक्स हैं उनको फिल कर देना, इस तरह से प्रेस करके, उन क्रैक्स के ऊपर रख के प्रेस करके इस तरह से फिल कर देना, जहां भी आपको क्रैक्स नजर आ रहे हैं। आप हल्का सा वाटर टच ले सकते हो, ज्यादा नहीं लेना है हमने इसमें, हल्का सा मैं फिंगर पे वाटर टच लूंगी। हेलो सुदेश जी, हेलो। और मैं इसको अंदर से अच्छे से फिल कर दूंगी। क्रैक्स की
फिलिंग कर रहे हैं हम। ये देखिए यहां पर आपको नजर आ रहा है ये क्रैक, थोड़ा ये बड़ा है ना। फेविकोल लगाऊंगी, इनको फिल कैसे करना है, फेविकोल लगाना है, जिस क्ले से हमने ये बनाया वही क्ले ली है मैंने, और उसको हम उससे इसको फिल कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से आपने पूरा जहां पर भी आपको बड़े क्रैक्स नजर आ रहे हैं, जैसे ये मुझे ये यहां पर जहां पर ये है इसके ज्वाइंट में नजर आ रहा है, मैं थोड़ा ही करके दिखाऊंगी आपको, उसके बाद हम कलरिंग करेंगे, मैं बाद में इसको कंप्लीट कर लूंगी। ठीक है, इस तरह से हमारे दो तरीके हैं, एक तो ये हो गया, आप इसमें भी देख लेना कहीं पर आपको, जैसे मुझे ये वाला क्रैक थोड़ा बड़ा लग रहा है, ये दो क्रैक है ना, तो इसमें मैं क्या करूंगी, उसी तरह से फेविकोल लगाया आपने, बस जब फिलिंग करनी है तो ये ध्यान देना कि आपने जो टेक्सचर दिए वो आपका टेक्सचर नहीं खराब होना चाहिए। क्ले लिया मैंने और उसको मैंने इसके बीच में लगाया। ठीक है, आप किसी भी पेंसिल या कोई भी टूल है आपके पास उसके साथ हमने उसको प्रेस कर देना ताकि उस क्रैक के अंदर चला जाए हमारा क्ले। ठीक है, और जहां पर आपने ये लगाया है क्ले, उसके बाद आपने यहां पर टेक्सचर वापस से दे देना है। मैं इसी से ही दे रही हूं टेक्सचर, ठीक है, इसी तरह से ये देखिए इधर है, थोड़ी सी क्ले ली मैंने, ठीक है, उसको मैं लंबा थोड़ा रोल कर रही हूं ताकि इसके बीच में इसी तरह से मैं लगा दूं। यहां पर मैं इसको प्रेस करूंगी, यहीं पर था ना मेरे एक और डीप कट, और मैं इसको अगेन किसी भी टूल के साथ, कोई पेंसिल है या कुछ भी आपके पास इस तरह का कोई टूल है, नाइफ है, उसके साथ आप इसको प्रेस कर देना। ठीक है, ये देखिए फिल हो गए हमारे क्रैक्स जो यहां पर थे, है ना। तो इस तरह से अगर कोई आपको बड़ा लगे तो उसको फिल कर देना। दूसरा वे जो है हमारा, एक तो ये है कि हमने सीधा फेविकोल लगाई और अपने क्ले के साथ वहां पर हमने फिल कर दिया। दूसरा जो वे है, जो हमारे इसमें कई जगह पर छोटे छोटे क्रैक्स होंगे, ठीक है, इन क्रैक्स को हमने कैसे फिल करना है, इनको हमने थोड़ा सा, वैसे मैंने विंडो म्यूरल में ये सब कुछ बताया हुआ है, बट आई डोंट नो कि आप लोगों ने वो देखा है या नहीं। थोड़ा सा इसमें मैं बहुत थोड़ा बनाऊंगी, ये वार्निश ले रही हूं, ये वार्निश से एक तो आपकी जो बिल्कुल छोटी छोटी वाले क्रैक्स हैं वो फिल हो जाएंगे, और दूसरा आपके इसको एक कोटिंग मिल जाएगी, आपका जो वर्क है ना वो ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसमें मैं थोड़ा सा चॉक पाउडर डालूंगी, थोड़ा सा चॉक पाउडर, उसको मिक्स करूंगी मैं अच्छे से। बहुत थोड़ा लिया ना इसलिए थोड़ा वो मैं मिक्स करके दिखाती हूँ। मैंने इसको पतला ही रखना है आपने, बहुत थिक नहीं करना, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से ये ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी है, ठीक है, बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं है, क्योंकि अगर गाढ़ा होगा ना और हम इसमें अपने वर्क के ऊपर जब इसको लगाएंगे तो हमने जो ऊपर टेक्सचर दिया वो सारा फिल हो जाएगा, इसलिए हमने इसे पतला करके ही लगाना है। सुदेश जी, एम आई ऑडिबल टू यू? अब आपने क्या करना है इसको, इसके लिए आप ब्रश एक तरह का एक ही रखना हमेशा, मैं अपने वार्निश के लिए यही ब्रश यूज करती हूँ क्योंकि इसके ब्रिसल्स जो है वो बहुत हार्ड हो जाते हैं वार्निश से, है ना, और इसको साथ के साथ जब आप ये वर्क करोगे उसके बाद हमने साथ के साथ टर्पेंटाइन ऑयल के साथ इसको क्लीन करना है। अब इसको कैसे यूज करना है ये देखिए, थोड़ा सा मैं अपने ब्रश में ले रही हूं, ठीक है, ये थोड़े क्रैक्स नजर आ रहे हैं ना आपको इसके ऊपर, हो गए फिल। इस तरह से आपने इसको पूरे, ये नहीं जहां पर क्रैक्स हैं, इससे आपने पूरे के ऊपर एक कोटिंग कर देनी है, ठीक है, इससे क्या होगा जब आप इसके ऊपर कलरिंग करोगे तब आपका जो क्ले है वो आपके कलर को
वेस्ट नहीं होने देगा, नहीं तो ये बहुत सोक करता है, जो क्ले होती है ना ये कलर को बहुत सोक करती है। ओके थैंक यू सुदेश जी, ये कलर को बहुत सोक करती है, तो जब हम इसके ऊपर एक कोट वार्निश का दे देते हैं तो ये कलर हमारा वेस्ट नहीं जाता। आपने अच्छे से इसको ब्रश को अच्छे से अपने इस टेक्सचर के ऊपर चलाना है, ताकि हमारा ये ना हो कि इतना मोटा आप कर दो कि ये जो हमने बीच में लाइनिंग दी ये सारी खत्म हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके छोटे छोटे बीच में कोई क्रैक्स हैं इससे वो फिल हो जाएंगे। इसके बाद वैसे हमें जरूरत नहीं है इसकी एनामल की। ठीक है, इस तरह से आपने पूरी फिलिंग करके और इस तरह से इसको वार्निश और ये चॉक पाउडर का एक कोट करके इसको हमने ड्राई होने के लिए रख देना है। ठीक है, जब ये पूरा ड्राई हो जाए तो उसके बाद हमने इस पर मैंने दिया, वैसे अगर आप नहीं भी दोगे तब भी चलेगा, क्योंकि ये हम जो एमल्शन या जो प्राइमर होता है वो हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारी जो क्ले है वो कलर्स को ज्यादा सोक ना करे, या हमने कोई लाइट शेड्स यूज करने हैं तो, क्योंकि ये हमारी क्ले का कलर जो होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। एमल्शन कर सकते हैं लेकिन वो मैं सिर्फ फिलिंग के लिए, अगर आप जो हमारे छोटे छोटे क्रैक्स है ना वो फिल हो जाएंगे। वैसे मैंने ये देखिए मैंने भी एमल्शन किया हुआ है, ठीक है मैंने भी ये एमल्शन किया हुआ है, उसके बाद मैंने एमल्शन भी कर दी। इस पर हम नहीं भी करेंगे, अगर हमने वो वार्निश का एक कोट किया है तो हम एमल्शन नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि इसका वर्क जो होता है वो यही है कि हमारे कलर्स जो है वो वेस्ट ना हो, हमारी क्ले ज्यादा उसको सोक ना करे। ठीक है, तो एमल्शन तो आपको पता है सभी को, जिस तरह से हम बाकी कलर्स करते हैं उसी तरह से ही हमने एमल्शन का भी एक कोट इसके ऊपर कर देना है। ठीक है, एमल्शन या प्राइमर जो भी है आपके पास। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे कलरिंग। इस पर कलरिंग करने के लिए मैंने आज मैं बर्न सियाना का यूज डायरेक्ट, जैसे हमने पहले विंडो म्यूरल में बर्न सियाना और ब्लैक मिक्स करके किया था, है ना, उसमें क्या था कि थोड़ा सा एक ग्रीनी टच आ जाता है इसमें। मुझे यार थोड़ा इसमें जो लुक एक चाहिए वो चॉकलेट लुक चाहिए, डार्क ब्राउन जिसको हम कहते हैं ना, तो मेरा डार्क ब्राउन जो है वो खत्म है, तो इसलिए मैं इसमें जो कलर्स ले रही हूं मैं दिखाती हूं आपको, इनको मिक्स करके मैं थोड़े थोड़े सभी कलर्स लूंगी। थोड़ा सा ले रही हूं बर्न सियाना, कलर्स को साथ की साथ आपने बंद करना नहीं तो ये ड्राई हो जाएंगे, है ना। रेड रेड एंड ब्लैक को मिक्स करके हमारा डार्क ब्राउन कलर बनता है, बट वो थोड़ा पर्पल शेड में चला जाता है, तो इसलिए मैं उसमें थोड़ा सा फिर बर्न सियाना मिक्स करूंगी। रेड व्हाइट, उसको थोड़ा सा लाइट शेड देना होगा जब, एंड ब्लैक। ब्लैक मेरा नीचे को है, मैं इसको ठीक है। ये चार कलर्स कौन कौन से यूज करने लगी हूं मैं, बर्न सियाना, रेड, व्हाइट एंड ब्लैक। चलिए अब हम कलरिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए राउंड ब्रश ही लेती हूँ ब्लैक। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, रेड लूंगी, रेड हम थोड़ा ज्यादा मिलेंगे, इसमें मैं थोड़ा सा ब्लैक मिक्स करूंगी, पहले मैं यही वाला जो डार्क है यही, इसमें थोड़ा सा और ब्लैक,
क्योंकि जो हमारा अंदर डीप में जाएगा ना वो थोड़ा डार्क कलर होना चाहिए। ये देखिए, ठीक है, चॉकलेट ब्राउन कलर है ये। कौन कौन सा किया मैंने, रेड एंड ब्लैक। अब मैं कलरिंग स्टार्ट करूंगी। पहले पूरे के ऊपर हम यही वाला कलर करेंगे। जो डीप कट्स है ना उनके ऊपर, तो खास करके जहां पर डीप है, आप देखना जब आप बर्न सियाना में ब्लैक मिक्स करते हो तो उसका शेड थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। और ये रेड एंड ब्लैक में जब आप मिक्स करते हो तो, या आप ब्लू भी ऐड कर सकते हो, तो उसका ये थोड़ा पर्पल उसमें चला जाता है और उसका थोड़ा सा डिफरेंट शेड हो जाता है। अगेन हम हाफ में ही कर देते हैं, या पूरा है। बीच में मैंने थोड़ा सा बर्ड सियाना लेके हल्का सा उसके ऊपर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये ज्यादा पर्पलिश लग रहा है। अगेन मैं थोड़ा सा कलर और बनाऊंगी रेड ब्लैक एंड ब्राउन। अभी ही हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। बर्ड सियाना मिक्स करने से थोड़ा सा ब्राउन लुक ज्यादा है। आई होप ये क्लियर है आपको। हाय डायना, लेट हो गए आप। आई वॉज थिंकिंग के आप पता नहीं ज्वाइन क्यों नहीं किया, क्योंकि यू वर एक्साइटेड फॉर द क्लास ना। जब हमारा ये डार्क शेड थोड़ा सा ड्राई होगा ना तो हम इसके ऊपर दूसरा थोड़ा लाइट वाला शेड देंगे, क्योंकि हमारा बेस कलर ये है तो हमें बेस में पहले इसको डार्क को अच्छे से कर देना है। आपने स्टार्ट किया है किसी ने अभी बनाना या नहीं? ओके सुदेश जी, एक्चुअली लास्ट नेक्स्ट क्लास के लिए और ऑलरेडी डिसाइडेड है, बट हम जरूर करेंगे ये, डेफिनेटली कमिंग सेशंस में जल्दी ही लेके आएंगे। बीच बीच में अब मैं क्या कर रही हूं, बर्न सियाना
ओनली बर्न सियाना, क्योंकि मेरे ब्रश में ऑलरेडी डार्क ब्राउन है। और ये बर्न सियाना कहाँ कर रही हूं मैं? यस यस श्योर डेफिनेटली। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कुछ डिमांड करते हो ना, क्योंकि सिखाने वाले को भी तब मजा आता है जब सामने वाले इंटरेस्टेड हो। अब देखो मैं ये जो बर्न सियाना यूज कर रही हूं ये कहां कर रही हूं, जो हमारे ये उठा हुआ एरिया है रूट्स जो हमने बनाई है ना उसमें कर रही हूं, सारे में नीचे जो हमारा एरिया है उसमें हमने डीप ही रखना है, डार्क डार्क ही रखना उसमें। मैं अंदर से भी नहीं कर रही क्योंकि मुझे होल्ड करने में फिर मुश्किल होगी, लास्ट में करेंगे। दिख रहा है ना आपको, लोगों को क्लियर हो रहा है? आप बीच में हल्का सा बिल्कुल टच इसमें ब्राउन में व्हाइट का देके, और लाइट अगर कहीं बीच बीच में हमने, जैसे एक्चुअली मेरा फैन भी स्लो होता है क्योंकि वर्क करते टाइम कलर्स बहुत ड्राई होते हैं, तो ये जल्दी से ड्राई नहीं होगा। जब मैं क्ले वर्क करती हूं तो मैं बिना फैन के ही आप लोगों को करके दिखा रही होती हूँ, फैन नहीं चल रहा होता है तब मेरा। अभी ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए फिर हम इसके ऊपर बीच बीच में एक और लाइट का शेड देंगे। अभी हमने दिया है डार्क का, डार्केस्ट जो कलर हमने करना था जो हमारे डीप के एरियाज में होगा, ठीक है। उसके बाद हम ये जो ऊपर है इसके ऊपर लाइट वाला जो बर्न सियाना है वो कर रहे हैं। तीन चार लेयर्स में इस पर कलर होगा। और फिर हम इसके ऊपर बीच बीच में, सब पे नहीं देंगे लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं पर हम थोड़ा सा व्हाइट मिक्स बर्न सियाना वो करेंगे। एक मिनट इसको, आई होप क्लियर होगा आप लोगों को जो भी कर रहे हैं हम। थोड़ा सा और ये डार्क कलर साइड पे बना रही हूँ, बीच बीच में कहीं पर रह गया है वहां पर लाइट नहीं अच्छा लगेगा। बिल्कुल डायरेक्ट ब्लैक मत करना कहीं पर, वो थोड़ा ऑड लगता है। कहीं पर भी व्हाइट ना बचे, व्हाइट नहीं नजर आना चाहिए कहीं पर भी। कहीं पर मैं बर्न सियाना में हल्का सा रेड मिक्स करके ना, हल्का सा बिल्कुल, ठीक है आपको ये सही नजर आएगी ना, तो यहाँ पर हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा मैंने रेड मिक्स किया है। और वो अपने हर उस पर नहीं लगाना है, कहीं कहीं पर। लास्ट में हम जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा तो हम थोड़ा सा कॉपर के साथ इसके ऊपर एक शेड देंगे। अब मैं ये जो मैंने बर्न सियाना में मिक्स किया था ये वाइट, अब ये वाला थोड़ा सा करेंगे हम। दूसरा ब्रश ले रही हूँ क्योंकि उसमें कलर ज्यादा है, ऑलरेडी ये हमारा ड्राई नहीं है। अब ये हम जैसे ड्राई ब्रश टेक्निक होती है ना, इससे अब हम वो करेंगे, ठीक है।
तो मैं ब्रश में लेके एक्स्ट्रा निकाल रही हूँ, ठीक है। अभी वैसे ये ड्राई नहीं हुआ है, बट थोड़ा ड्राई होता तो ज्यादा अच्छा था। तो हम इस तरह से, ताकि हमारा जो टेक्सचर है वो उठ के आए, अब जो नीचे हमने रूट्स बनाई थी ना, दिख रहा है आपको? आज सभी बहुत चुप हो। दिख रही है अब रूट्स नीचे? मैंने एक्चुअली पेपर फ्लावर्स तो बहुत बनाए हैं। ओके ओके, थैंक यू सुदेश जी। मैंने वो जो सॉफ्ट क्ले है ना, उसका भी मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है, बट वेन एवर आई विल डेफिनेटली टीच यू। पेपर फ्लावर्स तो मैंने बहुत बनाए हैं, और एक बार मैं थोड़ा सा उसका कर लूं, क्योंकि जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो मैं आपको गलत कुछ नहीं सिखाना चाहती, है ना। बट डेफिनेटली देखो, मैं बिल्कुल ड्राई ब्रश टेक्निक जो होती है ना, उससे कर रही हूं ये। बिल्कुल हल्का सा ब्रश में लेके ना, और बहुत लाइट हैंड के साथ, ताकि हमारी ये जो हमने टेक्सचर दिया था ना ऊपर, लाइनिंग दी थी, वो अच्छे से नजर आए। बीच बीच में हम थोड़ा ज्यादा करेंगे, और बीच बीच में बस हल्का हल्का सा। हमारा वर्क इससे क्या हो रहा है, अब निकल के आ रहा है। फर्क लग रहा है आपको? देखो, ऊपर हमारा नहीं कुछ भी पता चल रहा, नीचे जो वर्क है ये देखिए, इसमें जो लाइनिंग है ना, वो निकल के आ रही है। थोड़ा सा और मिक्स करूंगी मैं वाइट के साथ। अगेन एक्स्ट्रा को मैं रिमूव करूंगी अपनी पैलेट में, और आप स्पॉन्ज से भी कर सकते हो इसको। क्लियर हो रहा है मेरा हाथ? आगे तो नहीं आ रहा? वन बाय वन हम सभी कुछ करेंगे, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको डिफरेंट कुछ सिखाऊं। कोशिश यही है मेरी। मैंने 3D म्यूरल भी इसीलिए वो चूज किया था, कि मुझे लगा नहीं कि ऐसा कुछ अभी चल रहा है, और ये भी जो हमने वर्क किया ये वाला। आप भी मुझे अपनी बताइए जो भी आप सीखना चाहते हो। स्लोली हम सभी कुछ कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू आपको भी। वी ऑल आर टीचर्स एंड वी ऑल आर स्टूडेंट्स। एक मदर भी टीचर है ना, एज अ मदर, ब्रदर, सिस्टर, कुलीग, हम कितना कुछ एक दूसरे से सीखते हैं और सिखाते हैं। देखिए, मैंने एकदम सारा ऊपर करने की कोशिश नहीं की है ना, बार बार मैं स्लोली उसके ऊपर बार बार कर रही हूं। ऐसा नहीं है कि एक ही बार कलर उठाया और लगा दिया। तो पेशेंस जो है वो आर्ट में सबसे पहली चीज है जो चाहिए।
अगर आप चाहो तो आप इस पर कर सकते हो, अगर आप ना चाहो तो आप बाद में, वैसे इसका जो हमारा टच जो अब दे रही हूँ ना मैं, ये ऑलरेडी थोड़ा उसमें ही लग रहा है ब्रॉन्ज में। अगर ये थोड़ा सा आप इसको ड्राई होने पे करना। थैंक यू कन्नत जी, आप लोगों के कमेंट्स जो होते हैं ना वो और अच्छा कुछ नया करने के लिए जो है ना वो मोटिवेट करते हैं। और प्लीज आप लाइक और शेयर भी कर दें तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपको पसंद आता है काम, जबरदस्ती नहीं है, बट अगर आपको काम अच्छा लग रहा है तो आप दूसरे ग्रुप में, जो भी अलाउ करता है ग्रुप, आप उसमें भी प्लीज। ये देखिए अब आई थिंक ये पूरा जो हमारा वर्क था देखो ऊपर से निकल के आ रहा है ना। अब इसको हम इस तरह से ही ड्राई होने देंगे। अगर आप चाहो तो बाद में, मैं थोड़ी सी जगह पे आपको करके दिखा देती हूँ इसको, पर पहले ड्राई होने देना। थैंक यू डियर, सेम टू यू, आप लोगों को भी। ये देखिए थोड़ा सा हम ब्रॉन्ज करके देखेंगे, अगर अच्छा लगा तो हम पूरे पे करेंगे, अगर अगर हमें लगा कि नहीं ये ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, उसमें किया हुआ है ब्रॉन्ज जो हमने पिक थी ना हमारी रेफरेंस पिक, उसमें है। ठीक है, इससे थोड़ा सा शाइनी हो जाएगा और थोड़ा और निकल के आएगा डिजाइन, बस ये है। अभी ये थोड़ा मेरा वेट है, ये देखिए मेरे हैंड्स पे लग रहा है ना। तो ये जब आपने जब ये कलर करना है, मैं भी इसको पूरा तो बाद में ही करूंगी, थोड़ा सा आपको जस्ट करके दिखा रही हूं, उसी तरह से जिस तरह से अभी हमने दूसरा लगाया इस तरह से, थोड़ी एक एंटीक लुक में चला जाएगा ये, दिख रहा है ना, थोड़ा इस टाइप से। इसके बाद जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा, इसके अंदर भी सच कलर आपको बता दूं मैं, इसके अंदर सेम ही कर देते हैं आई थिंक जो हमने डार्क ब्राउन किया था। उसके लिए अगेन मैं रेड ले रही हूं, थोड़ा सा ब्लैक एंड मोर ऑफ बर्न्ट सियाना। अब मैं थोड़ा सा बर्न्ट सियाना इसमें ज्यादा डाल रही हूं क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ब्लैक में नहीं चाहिए। अगर आपके पास कलर ना हो तो ऐसा नहीं सोचना कि मेरे पास कलर नहीं है, हम इस तरह से कलर्स को मिक्स करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस वन नो, इट्स नॉट पाउडर, पाउडर नहीं है ये फ्लैश का है। यस ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज ही अच्छा लगेगा इस पे, गोल्डन ही अच्छा लगेगा। अंदर में भी हम इसी तरह से मैं हल्का सा वाटर टच ले रही हूं क्योंकि मेरा कलर बहुत ड्राई हो गया है। ये देखिए बीच में जैसे मेरा थोड़ा सा ही वाइट नजर आ रहा है, ये आपने अच्छे से जब आप करोगे तो इसके बीच में अच्छे से फिल करना है कलर को। ये ड्राई होगा ना तो मैं ब्रॉन्ज दूंगी इस पर, मुझे अच्छा लगा है, बट थोड़ा ड्राई हो जाए अभी मेरे हाथों को ही लग रहा है ये, तो उस पर कलर अच्छे से आएगा नहीं। पहले हमने डार्क ब्राउन किया, अगर आपके पास डार्क ब्राउन है तो आप डायरेक्ट डार्क ब्राउन भी यूज कर सकते हो, अगर नहीं है तो आपने रेड उसमें थोड़ा ब्लैक और थोड़ा सा बिल्कुल बर्न्ट सियाना जो हमने नीचे बेस में ज्यादा डार्क किया है। ठीक है, इसमें मैंने जो बीच में किया इसमें मैंने थोड़ा सा, अभी दिखाती हूँ मैं आपको, इसमें मैंने थोड़ा सा बर्न्ट सियाना एंड रेड इक्वल लिया है,
एंड थोड़ा सा ब्लैक. ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको. मेरा हाथ लग के ही देखो कलर उतर रहा है. हाँ जी, ठीक लगा आपको. अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये देखिए पहले तो हमारा वर्क. ठीक है, जहां पर ब्रॉन्ज है मैं आपको दिखाती हूँ. ये थोड़ा सा इस जगह पर ब्रॉन्ज आया, शायद लाइट में वो इतना पता नहीं चल रहा. अभी ड्राई होगा ना तो फिर इस पर मैं करूंगी. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट मुझे बताइए कि आप लोग ये मैंने जो पिक डाली थी इसकी यही सीखना चाहते हो आप लोग, या कुछ और कर अपनी चॉइस से मैं कुछ और करवाऊं? क्योंकि इसके मुझे काफी मैसेजेस आए हैं, जो दूसरे ग्रुप्स में भी डाला था, शेयर किया था, तो उसमें भी काफी लोगों ने इसका ट्यूटोरियल की बात की है. तो आप बताइए मुझे, ये सीखना चाहते हो या कुछ और, या मैं कुछ और लेके आऊं अपनी चॉइस से? बताइए. चलिए, अगर आप लोगों का किसी का आंसर नहीं आया तो फिर मैं अपनी चॉइस से ही जो मुझे ठीक लगा मैं वो कर दूंगी. ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो तो आप मुझे बता देना, मैसेज कर देना. ठीक है, अगर यही चाहते हो, नहीं तो फिर देख लेते हैं कुछ और करना है तो कुछ और कर लेते हैं. ये देखिए थोड़ा सा ड्राई हुआ था. ओके, ठीक है. ये थोड़ा सा ड्राई था, यहाँ कलर ना अच्छे से आ नहीं रहा है ब्रॉन्ज. बाद में मैं पिक सेंड करूंगी इससे. चलिए ठीक है, फिर आज का सेशन यहीं पर हम एंड करते हैं. ठीक है, और नेक्स्ट सेशन में फिर कुछ नया अभी देखती हूँ, कुछ नया फिर हम नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे. ठीक है, टिल देन बाय एवरीवन, हैप्पी टीचर्स डे वंस अगेन, बाय. हेलो, आप बोलोगे फिर से प्रकट हो गए मैम. एक्चुअली मुझे ध्यान आ गया कि मैंने आपको बताया नहीं कि आपने इसके बाद जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो हमने इसके ऊपर से एक कोट वार्निश का भी करना है. ठीक है, आपने एंड में एक कोट वार्निश भी कर देना है. ये देखिए अभी मैं कॉपर कर ही रही हूँ, मैं दिखा ही दूंगा आप लोगों को. सॉरी, एक मिनट, ये देखिए थोड़ा ड्राई हो गया था, मैंने कहा कॉपर कर ही दूं. और मुझे याद आ गया कि आप लोगों को वार्निश का मैंने नहीं बताया. आप बीच बीच में भी ये थोड़ा सा कॉपर जो है ना, ये जो हमारा बीच का एरिया कहीं पर ब्रॉड है अगर, तो उसके बीच में भी हमने दे देना है. चलिए, ये रेडी हो गया. ठीक है, कंप्लीट है. अब ये ड्राई हो जाए तो उसके बाद हमें इसके ऊपर वार्निश करनी है. ठीक है, ये मैं ये नेरोलैक की जो क्लियर वार्निश है ये यूज करती हूँ, क्योंकि डार्क कलर्स पर हम ये कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा वर्क जो है वो रेडी हो गया. चलिए बाय. चलिए, हमारा वर्क ड्राई हो चुका है, अब हम इस पर वार्निश करेंगे. मैं ये नेरोलैक की जो वार्निश है ये यूज कर रही हूं. ठीक है, टच वुड नेरोलैक की टच वुड वार्निश.
इसको अच्छे से ड्राई होने देना, उसके बाद आपने ये करना है। अभी मेरा ये थोड़ा थोड़ा वेट है, लेकिन आपको बताने के लिए मुझे इसको अभी करना पड़ रहा है। अच्छे से जब ये वेट हो जाए, सॉरी ड्राई हो जाए, तब आपने इस पर एक कोट वार्निश का कर देना है। इस तरह से फिर आप इसको वार्निश करने के बाद आपने जब भी इसको क्लीन करना हो, वॉश तो हम फिर भी नहीं कर सकते, लेकिन हम डैम्प क्लॉथ के साथ इसको क्लीन कर सकते हैं। इसकी लुक जो है वो ज्यादा अच्छी हो जाती है आफ्टर वार्निश। नो डाउट ड्यूरेबल तो हो ही जाता है, बट इसकी लुक भी एक ज्यादा अच्छी हो जाती है। ये देखिए बस हमारा काम था, थोड़ा सा मैं अंदर भी करूंगी इसके। थोड़ा सा इसके अंदर भी पूरे में आपने कवर करना, और इसके नीचे भी जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसके नीचे वाली साइड पर भी करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमारा वर्क जो है वो रेडी है आफ्टर वार्निश। अब इसको अच्छे से आपने ड्राई होने देना है। ठीक है, चलिए आई होप सेशन ये आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग इसे जरूर बनाना, ट्राई करना। टिल नेक्स्ट सेशन, बाय एवरीवन।